अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राणा मर्दूर। आप देख रहे हैं बीटीक्यू न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कम अमाउंट में, कम बजट के अंदर ऐसे कौन से 125 गज के प्लॉट्स हैं कि जिन पर आप 9 लाख रुपए से लेकर 16-16.5 लाख रुपए के दरम्यान की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट एक मिलता है। देखें, इन्वेस्टमेंट बैरियर में दो तरह की है। एक इन्वेस्टमेंट है जस्ट ट्रेडिंग, क्या आप इन्वेस्टमेंट आपने की, आप उसको ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं पैसा लाऊं, कुछ टाइम के बाद वहां से मुझे प्रॉफिट मिले, मैं उस प्रॉफिट लेके वापस आ जाऊं, दोबारा अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है लो मार्केट में दोबारा इन्वेस्टमेंट करूं, फिर मुझे प्रॉफिट मिले तो मैं निकल आऊं। ये एक ट्रेडिंग का तरीकेकार है जो बहुत से लोग बैरियर के अंदर कर रहे हैं। कुछ दूसरी इन्वेस्टमेंट है कि जो रेजिडेंशियल पर्पज से लोग चाह रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें कि जहाँ पर जो है वो अगर हम कोई प्लॉट लेते हैं तो उस प्लॉट के हम कंस्ट्रक्शन भी कर सकें, उसको और बना के खुद रहना चाहें या उसको रेंट आउट करना चाहें, और फ्यूचर के अंदर इस तरह के मामला अगर हम करना चाहें तो ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम दोनों का जिक्र करेंगे, जिसमें आप ट्रेडिंग भी आपके लिए आसान है और अगर आप इन्वेस्टमेंट का आपका प्रोग्राम है रेजिडेंशियल पर्पज़ से आप चाह रहे हैं तो भी आपके लिए एक बेहतर मौका इसके अंदर मौजूद है। देखें, सबसे पहले जो 9 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बनती है आपके न्यू प्रेसेंट्स के अंदर। न्यू प्रेसेंट्स, प्रेसेंट 61, 62, 63, ये न्यू प्रेसेंट्स हैं। यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बनती है आपकी इस टाइम मौजूदा मार्केट के हिसाब से, आज की मार्केट के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो बनती है आपके तकरीबन 9 लाख रुपए। यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 9 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जो प्रॉफिट आना है वो आना है तकरीबन जो है वो 2.5 से 3, 3.5 लाख रुपए का। इसकी मिसाल मौजूद है, तकरीबन आप 1 से 1.5-2 महीने पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो आपको इसकी मिसाल मिल जाती है कि इससे पहले न्यू प्रेसेंट्स की मार्केट क्या थी, फिर अचानक एक बूम आया, उसकी मार्केट कहाँ जा पहुँची, फिर दोबारा से मार्केट रिवर्स है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ जस्ट ट्रेडिंग है। अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मैं पैसा लगाऊं, उसको रोल करूं, कम इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं पैसा लगाऊं, उसको मैं रोल करूं, तो ये 9 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको देखे जाती है 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। ये मतलब समझ लें कि 100% बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। खासतौर पर 61, 2, 3 इनके अंदर जो दो प्रेसेंट्स हैं 62 और 63, ये प्रेसेंट्स मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। जो 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 मैप है, जो मैप दिखाया गया है बैरियर की तरफ से, उस मैप के हिसाब से इनके दरम्यान से इन दरम्यान में से मेन जिना एवेन्यू जा रहा है, तो मेन जिना एवेन्यू इनके दरम्यान में से होने की वजह से ये दोनों प्रेसेंट जो है ना वो मेन जिना पर आ जाएंगे। तो मेन जिना पर आने की वजह से यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप लॉन्ग टर्म भी इसको लेके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी आप इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे, लॉस में नहीं जाते। इसमें देखिए सबसे जो बड़ा बेनिफिट वो ये है कि इसके अंदर जो पेमेंट गई हुई वो गई हुई है 16 लाख रुपए की, 15,95,000 रुपए की पेमेंट अलॉटी ने की हुई है बैरियर टाउन को। अब मार्केट डाउन होने की वजह से, पीछे वाली प्रेसेंट्स होने की वजह से, गैर यकीनी कैफियत की वजह से, और मार्केट में बहुत ज़्यादा जो तजब्सुब था, इस्तराब था और बहुत सी चीज़ें थी मार्केट के अंदर, उसकी वजह से मार्केट जो क्रैश हुई, क्रैश मार्केट की वजह से इस टाइम जो 15,95,000 वाली जो फाइल है वो आपको मिलती है 9 लाख रुपए की। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप उसमें लेना चाह रहे हैं कि आप ट्रेडिंग के हिसाब से तो भी आपके लिए बुरी नहीं है, लॉन्ग टर्म में लेना चाह रहे हैं तो भी बुरी नहीं है, क्यों आपने ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 6 लाख रुपए 6 से 7 लाख रुपए माइनस के अंदर इसको खरीद रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है प्रेसेंट 23 का, 23, 24, ये दो प्रेसेंट्स मेरे हिसाब से इस तरह के प्रेसेंट्स हैं कि जहाँ पर आप टोटली ऑन ग्राउंड है, ये 100% सिक्योर प्रेसेंट्स हैं, 100% डेवलप प्रेसेंट हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी प्लॉट आप बाय करते हैं तो आप उस प्लॉट पर जाके खड़े हो सकते हैं। यहाँ की जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट बनती है वो बनती है तकरीबन कुछ 12.5 से 14 लाख के दरमियान की इन्वेस्टमेंट है प्रेसेंट 23 और प्रेसेंट 24 के अंदर। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट आप करते हैं प्रेसेंट 23 और 24 के अंदर, तो ये आप दो तरह से इसको आप ले सकते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं फ्यूचर के अंदर घर बनाऊँ, यहाँ पर मैं अपनी ज़ाती रिहाइश रखूँ, या इसको मैं कंस्ट्रक्शन करूँ, तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये दो प्रेसेंट इस तरह के लो बजट के अंदर, कि इन दो प्रेसेंट्स के अंदर आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन अभी भी अलाउ है, फ्यूचर में भी करना चाहेंगे तो आपका ये ऑन ग्राउंड प्लॉट है आपका, किसी टाइम भी आपका चाहे तो आप इसमें कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से लेना चाह रहे हैं
तो ऑन ग्राउंड प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो ट्रेडिंग है मार्केट जैसे ही बेहतर होती है, बेहतर मार्केट के अंदर ये जो आपने 12.5 से मैंने आपको बताया 14 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहां पर आपको जो प्रॉफिट आता है वो आता है तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट। मार्केट बेहतर होने पर आपका जो प्रेजेंट 23 है, प्रेजेंट 24 है, ये तकरीबन आपको 3 से 4 लाख रुपए प्योर प्रॉफिट देके जाएगा खर्चा निकालकर। उसके बाद नंबर आता है प्रेजेंट 25 का। प्रेजेंट 25 भी 100% ऑन ग्राउंड है, सिक्योर है, हर तरह लीगल प्रेजेंट है और टोटल डेवलप प्रेजेंट है। आप जो भी बाय कर रहे हैं उस पर अपने प्लॉट पर जाकर आप खड़े होते हैं, प्लॉट मतलब ऑन ग्राउंड है, कंस्ट्रक्शन अभी करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन इसकी बेलाव है, अगर आप चाहते हैं कंस्ट्रक्शन करना तो कंस्ट्रक्शन आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है आपकी तकरीबन बनती है कोई 14 लाख रुपये से लेकर 15.5 लाख के दरम्यान में। अगर आप 14 से 15.5 के दरम्यान के बजट के अंदर आप आना चाहते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस इन्वेस्टमेंट पर आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है बेहतर मार्केट के अंदर, वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है कि जो प्योर प्रॉफिट आपको मिलना है, सूखा सूखा जो प्रॉफिट जिसे कहा जाता है, ये सूखा सूखा जो प्रॉफिट आपका वो 4 से 5 लाख रुपए का है। आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो की आपने 14 से 15.5 लाख के दरमियान की इन्वेस्टमेंट बनती है प्रेजेंट 25 के अंदर, 25 के अंदर। इसके अलावा फिर 2% और भी हैं कि जहां पर अंडर डेवलपमेंट जो एरियाज हैं, सिक्योर तो हैं ये, अंडर डेवलपमेंट जो एरियाज हैं यहाँ पर आपको जो है कम बजट के अंदर प्लॉट्स मिल जाते हैं, जिस तरह प्रेजेंट 26 ए है, प्रेजेंट 28 है, ये 2% इस तरह के हैं कि जो अंडर डेवलपमेंट जो एरियाज हैं, अंडर डेवलपमेंट 100% सिक्योर हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट अब हो रही है, बड़ी देर से बैरिया कर रहा है इनके अंदर डेवलपमेंट। इसका तकरीबन जो है वो P28 का जो प्रेजेंट 28 है, प्रेजेंट 28 के अंदर भी तकरीबन समझ लें कि 60% ये डेवलप है, बाकी जो 40% रिमेनिंग है जो यहाँ से क्लियर हो चुका है MDA और सुप्रीम कोर्ट के मामलों के बाद जो क्लियर हुआ, तो ये क्लियर है यहाँ पर डेवलपमेंट अब बैरियर ने अभी स्टार्ट की है। तो ये जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं P28 वाले, इसी तरह P26 ए के जो है अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं, यहाँ पर आपको जो प्लॉट है वो मिल जाता है तकरीबन कोई अल्लाह का भला करे कोई 16 से और 16.5-17 लाख के दरमियान में, या 15.5 से 16 के दरमियान में आप समझे कि यहाँ की इन्वेस्टमेंट बनती है प्रेजेंट 26 ए की और प्रेजेंट 28 की अंडर डेवलपमेंट एरियाज की। देखें ये जो प्रेजेंट्स हैं, प्रेजेंट 26 हो गया, प्रेजेंट 28 हो गया, ये फौरी डेवलप कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज नहीं है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट यहाँ पर अब हो रही है, ये आपको हैंडओवर होते थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि आपको 1 से 1.5 साल भी लग जाए। लेकिन यहाँ की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेहतर मार्केट के अंदर यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है आपको तकरीबन कोई 4 से 5 लाख रुपये का प्रॉफिट ये भी देके जाती है, प्रेजेंट 26 ए की भी और प्रेजेंट 28 की भी, अंडर डेवलपमेंट एरियाज की भी। इसमें दो बेनिफिट आपको ये हैं कि अगर आप इसको इंतज़ार कर लेते हैं डेवलपमेंट का भी, आप मतलब और कोई 1 से 1.5 साल और मजीद वेट कर लेते हैं, तो ये जो प्रेजेंट है डेवलप होने के बाद, तैयार होने के बाद ऑन ग्राउंड हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन इन पर अलाउ हो जाएगी, तो आपको एक बेनिफिट ये भी मिल सकता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के माइंड से देख रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि हल्की मार्केट के अंदर मैं इसको बाय कर लूँ, फ्यूचर में इसमें कंस्ट्रक्शन कर लूँ, तो ये प्रेजेंट 26 है और प्रेजेंट 28 मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कम बजट के अंदर यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं। मेरे जो देखने वाले लो बजट के अंदर, कम बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिर्फ ट्रेडिंग अगर आपने करनी है, तो फिर आप अगर ओनली ट्रेडिंग आप करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जाएं न्यू प्रेजेंट्स के अंदर, प्रेजेंट 61, 62, 63 में, खासतौर पर 62 और 63 के अंदर। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि रेजिडेंशियल पर्पज़ से भी अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने जो भी कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि अगर मुझे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है या आपने रहना है और कम बजट के अंदर अभी मौजूदा हालात के अंदर मैं ख़रीदता हूँ, तो आप उसके उसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो कम बजट वाला बनता है, प्रेजेंट 23, प्रेजेंट 24, प्रेजेंट 25 और कम बजट के अंदर ही आपको मिल जाता है 26 ही और प्रेजेंट 28 अंडर डेवलपमेंट एरियाज जो हैं वो कम बजट के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है 100% सिक्योर है, किसी टाइप का आपको प्रॉब्लम नहीं है, लीगल है, हर तरह से इसको मतलब आप महफूज हैं, आपके इन्वेस्टमेंट किसी तरह भी ज़ाया नहीं होती। देखिए जो मार्केट मौजूदा जो मार्केट है ना, इससे डाउन अभी मार्केट और नहीं जानी, मतलब अगर कोई ये सोचे कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, तो ऐसा चांस अब बिल्कुल नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि काफ़ी अरसे से आप ये देख रहे हैं कि जो मार्केट मौजूदा जो मार्केट है अपनी जगह पर रुक चुकी है, तो इससे ज़्यादा अभी डाउन होने वाला सिलसिला अब नहीं है।
इस टाइम मौजूदा मार्केट में आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आपको लॉस का बिल्कुल भी चांस आपका नहीं है, यहाँ पर आप प्रॉफिट ही आपको मिलेगा इंशाल्लाह, और बेहतर मार्केट की भी उम्मीद बहुत करीब है। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, मौजूदा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर जो है वो आपको प्रॉफिट के चांसेस बनते हैं। देखिए, जब मार्केट अप होगी, नॉर्मली जो बैरियर का क्लाइंट है वो अब मार्केट के अंदर आता है, मार्केट की तेजी के अंदर आता है, तो जब तेजी में जो लोग आते हैं वो फिर हमेशा परेशान रहते हैं कि उनकी जो बाइंग होती है ऑलरेडी वो महंगी उनकी बाइंग होती है, तो वो जब कंपेयर करते हैं मार्केट को और अपनी बाइंग को, जब दोनों कंपेयर करते हैं तो वो एक परेशानी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग कि जो लोग ये कहते हुए जिनको मैंने सुना कि हमें इससे गर्ज नहीं कि मार्केट कहाँ जाती है, किस तरह जाती है, वही लोग सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खाते हैं। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मुझे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं इसी फील्ड के अंदर, यही काम करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता भी कोई नहीं है। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो लोग कहते रहे कि नहीं जी हमें तो कोई गर्ज नहीं पड़ता, हमें कोई इससे गर्ज नहीं है कि मार्केट डाउन होती है कि अप होती है, हमें कोई गर्ज नहीं, जैसा भी है जो भी हमने लेना है। तो ऐसे वो लोग जब मार्केट डाउन हुई, उस डाउन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा एजेंट्स को कॉल्स भी वही करते हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियां भी वही खाते हैं और बीमारी की हालत में भी वही लोग हैं। तो आप जब ये समझ गए कि आपने बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, बैरिया में एक यही आपका जो है वो आप इन्वेस्टमेंट के अगर पॉइंट से देख रहे हैं तो बैरिया में सबसे जो बेस्ट तरीकेकार है, अगर आप ये समझ गए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, कब करनी है आपने, और आपने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने की दो चीज़ें समझ गए, तो इंशाल्लाह जो है ना आप बैरिया के अंदर कभी भी अपना लॉस नहीं करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में P23A के विलास की के बारे में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अब जो अब मेरी वीडियो आने वाली है, हो सकता है एक दो दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूँ वो, जो मैं समझ रहा हूँ P23A के विलास के अलॉटीज जो हैं उनके साथ क्या बीतने वाली है, क्या उनके साथ होने वाला है, जो मेरा ज़ाती नुक्ते नज़र है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है एक दो दिन के अंदर मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।